अरे यार, तुम लड़की इतनी खूबसूरत कैसे होती हो? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें अपने हाथों से बनाया है। और कह तो ऐसे रही है जैसे हमें इंटरनेट से डाउनलोड करा हो। ट्रेन कैसे रुक गई? टायर पंचर हो गया मैम, सही करेंगे। कौन है उसके बाद चलेगी? कहां से आते हैं? ये देख सकते हैं, ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है। देखिए, हाँ देखिए, ऐसे ऐसे लोग, छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं। कहाँ से आते हैं? बलि रावण में लाख बुराइयां थी, पर उसने कभी उसकी बहन से ये नहीं बोला, भाई तेरा गुंडा तेरा है, कब क्या यूं रह नहीं सकता। ये फंस गया सी है। तुमने पापा की परी देखी? देखी हो जाए, अब आज हम तुम्हें परी के पापा दिखाएं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई कुछ खिलाना, बहुत ही भूख लग रही है। बता क्या खाएगा? जलेबी मंगा ले। ओह नो, लगता है पेंसिल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा। विदे, अनियन अनियन यस, पोटैटो नहीं नहीं, पोटैटो नहीं, हेलो बेटा मुझको दे दे ठाकुर। नहीं बेटा मुझको दे दे, टांग क्या करेगा, तोड़ इसकी टांग। अरे वो क्या हाल है, अरे अरे क्या, कौन कौन हम तोरे वास्ते भूखे रहे, पानी की एक बूंद पिए बिना तोहरी चाकरी करते रहे, सबकी नजर में विलन बन के जीते रहे, और तू तू हमरे संग गद्दारी किया, ईका वानर सेना में धोखा, का करत है मुंह में टाक नहीं है का? अबे कुछ तो बक,
पाल हनुमान मुसीबत को देख के का बोले रहे? जय श्री राम। तो जय श्री राम। भाई क्या कर रहे हैं? भाई तो बोलते बंद करते है, कल फोन रहा है, वीडियो बना कर देखते हैं। Oh no! Hey! ये साला, ये बजाय लाए चालू है, पता नहीं साले को। मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मुर्शिद मुर्शिद गिर। यरा किधर घूमो, सुबह से बंदा एक मैसेज ही कर लेता है। नहीं मेरी जान, मेरा ना जुकाम हो गया था और थोड़ी सी खांसी भी है और थोड़ा सा गैस भी हो गया है। लोग कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, लो ये बज रही। अच्छा सुन, आज तेरा जन्मदिन है। हाँ बता तुझे क्या गिफ्ट दो। देख भाई तू ना मेरी बात माना कर और 10 लोगों में मेरी इज्जत किया कर, यही मेरे लिए काफी है। नहीं नहीं मैं तो गिफ्ट ही दूंगा। तेज गेंदबाज, कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल, जड़ के गिरी जड़ पर, आवाज बल्ले से आवाज अच्छी आई नहीं थी। Excuse me, we are doctors. Okay. हम लोग हेल्थ पर सर्वे कर रहे हैं। जी जी। आप कितना दौड़ लेते हैं? थोड़ा बहुत। फिर भी कितनी देर में थक जाते हो? मैं तो 10-12 कदम में ही थक जाता हूँ। ठीक है। हाँ मम्मी। और गरी की है? सब बढ़िया है। और बेटा हमारे बताओ क्या कर रहे हैं? करनो की है, आपके दोस्तों से गए होना कड़ी पार्टी सार्टी करने खातिर।
बाहर आपके गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ रहा है। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। बेबी हाँ तुमने बाल छोटे करवाए ना। हाँ तुमने नोटिस किया। थैंक यू। मैं टच कर सकता हूँ? हाँ ना। अरे क्या हुआ, मुंह पे हाथ क्यों रखा हुआ है? पड़ोसन ने थप्पड़ मारा। क्यों? मुझे क्या पता, मेरे को बोली एक पप्पी दे दे, मैंने दे दी। वो कुत्ते की बात कर रही थी जो हमारे घर में 3-3 पप्पियां हैं। चल अंदर। हेलो गूगल, बिना हाथ लगाए झाड़ू कैसे लगाएं? अपने पति से लगवाए। नो 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 नो। थैंक यू गूगल। ओह नो, ये फंस गया सी है। If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. वो जो अपनी पड़ोसन है ना, आज ना उसे साड़ी पहन रखी थी और पता उसकी कमर पे कितना बड़ा दाग है। वो गुप्ता जी की बीवी? हाँ। टैटू है वो। अरे 10 बज गए, अब तो उठ जाओ। पता नहीं क्यों आज मेरी आंखें नहीं खुल रही। हाँ लेकिन आपके मोबाइल का पासवर्ड जरूर खुल चुका है। सुनो। हाँ? जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मार्केट चलना है। और इन दोनों बच्चों का क्या करोगी? इनको पड़ोसन के वहाँ छोड़ देंगे। तो एक काम करो ना। क्या? इन दोनों बच्चों को मार्केट ले जाओ, मुझे पड़ोसन के वहाँ छोड़ दो। कल शाम मैं बोर हो रहा था, फिर मैंने अपनी पत्नी को बंदरिया बोल दिया। Oh, no. 3 घंटे कैसे गए पता ही नहीं चला। यार ये कंजूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंजूस को इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड और हिंदी में कहते हैं पति। हेलो
काहे तू अभी तक घर आने का पता नहीं चल रहा, रात के 10 बज गए। अरे यार मम्मी आ जाऊंगा यार, आप बार बार कॉल मत किया करो यार, रखो फोन अभी, जैसे तो बजे आ लेते पापा से बात कर ले। हेलो जी पापा। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। ओह नो, कैसी लगी आगे स्वाद? हर जगह से ब्लॉग करके मुझे कहती है बनाया क्यों नहीं, कहां से बनाऊं, यूट्यूब से? हेलो गूगल, पति के चेहरे पर स्माइल कैसे लाई जाए? पड़ोसन के नंबर देकर। सुनो करवा चौथ आठ लग रहा है, मैंने सूट दवा दियो 5000 का। ठीक है। अरे सोने की चूड़ी भी देखियो मेरे हाथ पे की खाली है। ठीक है। अरे वो रानी हार भी देखो जो अड़े थे, नहीं लटका कर है वो वाला। रेट पता कर ले। रेट तो क्या का मेरा, मैंने बेच के लिए ये सब कुछ। हैं? क्या बात कर रहे हैं? कब? क्या हुआ? सरपंच साहब कोमा में चले गए। पैसा वाला आदमी कहीं भी जा सकते हैं, तो वो हम लोग किचन से बाहर कभी निकलते भी नहीं। देखिए सीखिए कुछ। क्या हुआ क्या हुआ? गर्दन में मोच आ गई। अरे यूं ठीक कर दूंगी बैठो। अरे वाह बीबी सच में ठीक हो गई। कैसी है? नो 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 नो। शांति उसी घर में रहती है जहाँ पति पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं। बचपन से मेरा एक ही शौक था, अपने पति देव की खूब सेवा करूं। करती क्यों नहीं फिर? बचपन खत्म शौक खत्म। जय देश की जनसंख्या कम करानी है तो 90% छोरिया ने सकुटी शका दो, आप लपेट देंगी। हेलो मम्मी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, दामाद जी कैसे हैं? दामाद जी तो बहुत बढ़िया है, साइड में ही है मेरे। अच्छा दो जरा उनको। हाँ मम्मी दे दिया। तुम्हारे लिए खुशखबरी, मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। अरे वाह, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेज देना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेज देना। और अगर नरक में जाऊँ तो क्या भेजूँ? बस अपनी वीडियो भेज देना, हम भी तो देखें बीवी को सताने वाले किस हाल में हैं। ओहो मैडम जी नमस्ते नमस्ते, के नाम है थारो? अंग्रेजी में बताऊं कि हिंदी में? अंग्रेजी में बता दियो। कैट क्वीन। हिंदी में बताओ। बिल्लो रानी। हर बीवी ये चाहती है कि उसका शोहर उस पे मरे, लेकिन जब उसका शोहर उस पे मरता है तो बीवी ये कहती है कि परा जाके मर, और जब वो परा जाके मरता है तो बीवी कहती है हाय मैं मर गई। ये सब क्या है क्या है? अरे पड़ोसन को बाद में देखना, पहले एक बात बताओ मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? बहुत अच्छी लगती हूँ। अरे फिर भी कितनी? अरे इतनी अच्छी लगती हो कि तुम्हारी जैसी दो चार और ले आऊं। नो 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 नो। राधिका आज तुम्हारा सपना सच हो गया। हाय हाय क्या हो गया सासू माँ को, अभी तक तो ठीक थी। हर बहुत मेरी माँ के पीछे पड़ी है। नो 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 नो। दिल करता है कि अपनी पत्नी को छोटे बच्चों की तरह ऊपर उछालूं और फिर बाद में पकड़ना भूल जाऊं। अब ये क्यों फोन कर रहा है मुझे, अभी बताती हूँ उसको। हेलो तुम्हारा मेरा तो ब्रेकअप हो गया है ना, तो फिर क्यों फोन कर रहे हो मुझे? मैंने एक नई कार खरीदी है। तो मुझे क्यों बता रहे हो, मैं क्या करूं? नहीं करना कुछ नहीं है, बस रोड पार करते समय अपना ध्यान रखना। मैं निकला ओ गटी लेके। एक बात बोलूं आपसे, जब मैं काम करती हूँ ना तो मुझे छेड़ा मत करो,
मुझे बहुत गुस्सा आता है। अबे यार कल काम वाली भाई भी साली मेरे से यही कह रही थी। क्या? अरे सुनो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। शिट यार, मैं सोच रहा था आज बाहर खाना खाने चलते। बाहर खाना खाने? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो एकदम ठीक हूँ। हाँ तो मैं भी तो मजाक कर रहा था, चुपचाप जाकर ना रोटी बना ले। सुनो आप मुझे छोड़ दोगे? वकील तुम बुलाओगी कि मैं बुलाऊं? मम्मी के घर। अच्छा जब मैं नहीं थी तो तुम्हारा सर कौन दबाता था? जब सरदर्द ही नहीं होता था पगली। यार पूजा कम से कम आज तो मुझसे लड़ाई मत कर, आज मेरा उपवास है यार। तो मेरी लड़ाई में कौन सा आटा लगा हुआ है जो आपका उपवास टूट जाएगा? हमारा दिमाग खराब। नवाज 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 मुझको राणा जी माफ कर देना। हाँ ब्रो, और क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, बस तेरी भाभी से पैर दबा रहा था। यार जब देखो आप गुस्सा रहते हो, मैं आपकी खुशी के लिए क्या करूं? एक काम करें, ये पड़ोसन का नंबर दे दे। दे दूंगी नंबर, चल अंदर। ऐ मेरी जान, तुम मुझे छोड़ के कहां चली गई? एक बार बता तो दो के कहां हो, और एक बार फिर से कह दो ना, ताथैया ताथैया हो। पांक, पांक। तूने क्या समझा है मुझे? दिल में है तूफान। गाइस, ये मेरी पत्नी है और बचपन से गूंगी है, इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो, फॉलो। खत्म करवा दिया ना सर, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। अच्छा, लाइक करती हो मुझे? कभी कमेंट और शेयर भी कर लिया कर नकली औरत। आई लाइक इट। हैप्पी बर्थडे माय लव। ये नहीं, मुझे कोई सोने की चीज दो ना। ये ले तकिया और सो जा। सुनते ही दोड़े लगाया गले से। क्या यार, जब देखो हिंदी गाने गाते रहते हो, कभी तो इंग्लिश सॉन्ग भी गा लिया करो। सॉरी, आपको तो इंग्लिश गाने आते ही नहीं है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. सुहेल, मुझे डर लग रहा है, घर मुकर के सो जाओ। मतलब अपनी अपनी फिगर है, मैं चाहे डर डर के मर जाऊं। मतलब क्या, तुम्हारा क्या, मैं भूतनी हूं? भूतनी से कम भी ना है। तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला। हाँ बताओ क्या काम है? कुछ नहीं, बस अपनी उंगली की पावर चेक कर रही थी। यार तू पागल? मैं कह रही हूँ कि मैं बर्तन तो सुबह धो दिए थे, तुम्हारे लिए चाय लाऊं? हाँ, इलायची और अदरक डाल के। Excuse me मैडम, हम पैर दबाने की नई मशीन बेच रहे हैं, आप लेंगे क्या? जी नहीं, मेरी शादी हो गई है। बेबी, मैंने अभी अभी सपने में देखा कि तुम मेरे लिए हीरो का हार लेकर आए हो। तो फिर से सो जाओ और पहन लो। राजी का इस दुनिया की सारी औरतें ना चुड़ैल हैं। मतलब क्या है तुम्हारा, कि मैं भी चुड़ैल हूँ? नहीं नहीं, तुम तो रानी हो। सच में मैं रानी हूँ? हाँ, उन सब चुड़ैलों की। तुम्हारी आज ख्याल नहीं है। सुनो, वो शाम को मेरी मम्मी आ रही है। पापा भी आ रहे हैं? नहीं, क्यों? नहीं, वो किचन में थोड़ी हेल्प हो जाती। यार मेरी वो ग्रीन वाली। सुनो, आज खाना कैसा बना था?
तुम भी ना रोज लड़ने के नए नए बहाने ढूंढती हो। आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ, शाहजहां की तरह। फिर आप मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? अरे पगले, मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है, बस तुम ही देर कर रही हो। बन गई रोटी? बस बन रही है। कभी कभी ये जुल्फे भी सवार लिया करो। ओए होए, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार व्यार कुछ नहीं आ रहा, दोबारा सब्जी में बाल आ गया ना तो सर पे उस तरह फिरवा दूंगा। चल रही थी वो? हाँ चल रही थी। तो बहुत दूर चली गई होगी। Oh no! सजी सुर्ख जोड़े में बहन देखना मुझे आ गई। चल पहले पार्लर चलते हैं, फिर नुक्कड़ पे पानी पूरी और मोमोज खाएंगे। हाँ बहन। मैं ना क्रिस्टी को और फोन कर देती हूँ, उसके घर के पास में ही पार्लर पड़ता है। वाओ बहन, नया फोन? हाँ आईफोन है, कल ही मंगाया है। कौन सी कंपनी का है? होंडा कंपनी का है बहन, पेट्रोल से चलता है, 35 की माइलेज देता है, 140 की टॉप स्पीड है। वाओ बहन, अब तो मैं भी लूंगी होंडा कंपनी का आईफोन, 6 गियर डाल के टॉप की स्पीड में चलाऊंगी। मेरी ही गलती है, मुझे भी ना किसी समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। कोई भी समझदार औरत ना आपसे शादी नहीं करती। ये बात तो सही गई तुमने। राजिका? हाँ? तुम इंजीनियर कैसे बनी? बेटा इंजीनियर बनने के लिए ना बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, तभी तो पूछ रही हूँ, तुम इंजीनियर कैसे बन गई? मतलब क्या था? Oh, no! तने याद है दापली, आप 10वीं में दोनों साग पढ़िया कर दा। जुठा पढ़िया तो मैं कर दी, तू तो मुर्गो बनिया कर दो। अरे राजिका कहाँ से आ रही है? पार्लर से। आज भी बंद था क्या? अब मजाक कर रही हो, अच्छी लग रही, अच्छी लग रही। हेलो सर। अच्छा आप भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आई हैं? जी। अच्छा आप ये बताइए, आप कार चला रही हैं, आपके सामने एक तरफ आपकी सासू माँ खड़ी हैं और दूसरी साइड में आपके हस्बैंड खड़े हैं, तो आप सबसे पहले क्या मारेंगी? मैं अपनी सास को मारूंगी। अरे मैडम ब्रेक मारने हैं, ब्रेक। बेबी। हाँ। थे मेरी कदी तारीफ कौन करो? अब भी ले। करो करो। कह ठंड गए मां लागे तू मने रम बरगी, खा खा के हो रही है ड्रम बरगी। मन तो पहला ही ठाओ तेरो। दस गए भाई, दस। जो चोरी करता है ना बाद में पछताता बहुत है। अच्छा, और जो शादी से पहले आपने मेरा दिल चुराया, मेरी नींद चुराई, चैन चुराया, उसका क्या? तभी तो कह रहा हूँ, जो चोरी करता है बाद में पछताता बहुत है। विकास है, ए डॉक्टर जब ऑपरेशन करे मरीज ने बेहोश क्यों कर दिया है? अरे ए डॉक्टर मरीज ने बेहोश ही खातिर कराया कि वो मरीज ऑपरेशन करना ना सीख जाए। हाँ भैया बात तो ठीक है, ए डॉक्टर होवे बहुत चलाक। राजिका यार तू कितनी ब्यूटीफुल है ना। थैंक यू यार, काश तू भी होता तो मैं तुझे भी बोल पाती। ओह नो, तो तू भी झूठ बोल देना मेरी तरह। मतलब तू मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं? हाँ और क्या, झूठी। सुहेल एक बात बता, मैं खूबसूरत लगती हूँ ना? हाँ खूबसूरत तो है वैसे तू। ऊपर वाले ने मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है। हाँ यार फालतू के काम फुर्सत से ही होते हैं। तुम्हारे साथ शादी करने का एक फायदा जरूर है। क्या? मुझे मेरे सारे कर्मों की सजा
इसी जन्म में मिल गई। नो 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 नो। बेटा किन्हीं दो पटाखों के नाम बताओ। मैडम जी एक तो मुर्गा छाप और दूसरी आप। नो 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 नो। सुहेल चांद कहाँ है? एक आसमान में और दूसरी तुम। सच्ची? सुहेल चांद कहाँ है? वो आसमान में के तरफ बाप लालटेन लेके खड़ा। मैं तो बस यही द्वारका में रहती हूँ। और तुम कौन से इलाके से हो? इलाका तो कुत्तों का होता है। तभी तो पूछ रही हूँ। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आई रियली लव यू आयशा। आयशा गौर से देखिए वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। हेलो आंटी जी, पायल है क्या? हाँ बेटे हैंगी, दोनों पैरों में और साथ में चप्पल भी है। राजिका? हाँ यार, मैंने पिछले 20 सालों में एक चीज नोटिस करी है। क्या? जब भी फाटक बंद होता है ट्रेन आती है। अबे गधे, तो फाटक बंद होगा तो ट्रेन ही आएगी, हेलीकॉप्टर थोड़ी आएगा। नो 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 नो। अरे बाबूजी इलायची खत्म हो गई, इलायची ला दो, चाय बनानी है। अरे लल्ली, तेरी सास का नाम था इलायची और यहाँ पर बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। अच्छा ठीक है बाबूजी, वो माजी खत्म हो गई है, ला दो। आजिका? हाँ? तुमने अपने पापा पर गई हो बिल्कुल। है, थैंक यू सो मच। लेकिन तुम्हारी मम्मी बहुत खूबसूरत है। आपको पता है मुझे आपसे लड़ाई करके बहुत मजा आता है। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने आपसे पूछा। मिसेस गुप्ता, इसकी क्या जरूरत थी? आप कितनी लकी हैं, आपके हस्बैंड आपसे कितना प्यार करते हैं। और आपसे भी। ये फंस गया सी है। सुनो जुबानी, सुनो मुझे प्यार हुआ। वैसे एक बात बताऊं, आप ना चाहे पूरी दुनिया में ढूंढो, आपको मेरे जैसी नहीं मिलेगी। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो दोबारा भी मैं तुम्हारे जैसी ढूंढ के लाऊंगा। क्या सोच ले यार शादी के, चूड़ी पहनो, मांग भरो, बिंदी लगाओ। तुम लड़कों को शादी से तो दिखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता ना। हमारी तो शक्ल से ही पता चल जाता है। यार जब तुम बाहर जाती हो ना, एक डर सा लगा रहता है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इसी बात का तो डर लगा रहता है। मैडम जी आपके फेस के एक्सरे लेने हैं कुछ। डॉक्टर साहब ये एक्सरे क्या होता? वो मैडम जी फोटो खींचने जैसा होता है। तो 2 मिनट रुकिए डॉक्टर साहब, मैं मेकअप करके आती हूँ। कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर से बन के आ रही हैं। इसका मतलब काम ऊपर भी ठीक नहीं हो रहा है। हाँ भैया टिकट मिल गई क्या सारण? ना भैया मन कौन मिली, निर्दलीय लड़ जा। नो 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 नो। मेरी कुंडली में लिखा है कि पत्नी से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन किसकी पत्नी से मिलेगा ये ना लिखा। हाँ भैया टिकट मिल गई क्या सारण? ना भैया मन कौन मिली, निर्दलीय लड़ जा। नो 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 नो। दिवाली पे अपने घर सजाने के लिए कौन कौन सी लाइटें लेके आएगा? मैं ना लेकर आऊंगा कोई सी भी लाइटें। क्यों? अबे मैं अपने उन रिश्तेदारों को बुलाऊंगा जो मुझसे जलते हैं। मेरा घर जो है ना जगमगा उठेगा उनसे। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नागिन देख रही हूँ। टीवी में या शीशे में? टीवी में। आपको एक चीज पता है, शादी के बाद ना पति पत्नी की हर एक चीज आधी आधी हो जाती है। नहीं, एक चीज है जो सिर्फ पति की ही रहती है। क्या? गलती। ओहो मैडम, चांद तो रात में निकलता है, आज दिन में कैसे निकल गया?
उल्लू तो रात में बोलता है, आज दिन में कैसे बोल गया? नो 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 यार, ये जो लोग बोलते हैं कि चुड़ैलों के जो पैर होते हैं वो उल्टे होते हैं, तो ऐसा सच में होता है? अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तो इतना यकीन से कैसे कह सकता है? अरे तू अपने देखना। तो गाइस दिवाली आ रही है, अब पापा की परी है उड़ उड़ के जाले साफ करेंगी। ये भी उड़ उड़ के जाले साफ करेगी पापा की परी। नो 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 नो। एक बात पूछनी थी, धनतेरस को तकिया ले सकते हैं क्या? वो भी तो सोने की चीज है। सुनो दिवाली आ रही है, दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट बना रही हो, ये बताओ सबसे पहले क्या लेंगे, क्या लिखूं? कर्जा। कर्जा है मैं। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है, अरे त्योहार मनाए अभी भी। दिवाली आ रही है दोस्तों, अगर किसी को भी अपनी तिजोरी साफ करवानी हो तो मुझसे संपर्क करें। हाँ आपको ना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ओह नो, मुझे शौक भी नहीं है हर जगह तुम्हारे साथ जाने का। तारक मेहता तारा 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 चश्मा। ये दिवाली की सफाई कितनी देर करनी है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे अब ज्यादा नहीं है, मैं कर लूंगी, तुम जाके खाना बना लो। किससे बातें कर रहे हो? बहन से कर रहा हूँ। लेकिन इतनी हल्की हल्की क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बहन से कर रहा हूँ ना। नो नो Romeo favorless, play holy, holy happy holy. अबे दिवाली है, चला। नो 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 नो। बताओ तुम्हारा नाम, हाथ पर लिखूं या दिल पे? जब प्यार ही करते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर पर लिखो ना। मम्मा एक शादी में ना एक शर्त रखी, जो भी दारू पीता है शादी में नहीं आएगा। फिर क्या, दूल्हा ही नहीं आया। कौन हो तुम? मैं चुड़ैल हूँ। ऐसे रात में मत भटका करो, जमाना सही नहीं है। सुनो आज रोटी खा लियो, आलू की सब्जी और खीर पूड़ी बनाया है। बेरो है मैंने, मैं ही बनाया है। पागल थी मैं जो मैंने तुमसे शादी की। इसी बात का अफसोस तो मुझे भी है कि मैंने पागल से शादी क्यों की। जिन औरतों का मुंह हमेशा फूला रहता है, अरे उनकी हाथ की बनाई हुई रोटियां कभी नहीं फूलती। सुनो पत्नी अच्छी है या बहन? ये फंस गया सी है। पत्नी की बहन? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो नाम पूछना ही भूल गई। नाम काड़ू? नहीं कलर नहीं, नाम पूछ रही। गजब बेइज्जती है। हाँ भाई जनाब, क्या कर रहे हो? सिलाई कर रही हूँ। अरे यार हमेशा ही उल्टा जवाब देवा, रोटी पोरिया फिर पता है तो गर्मी में परीक्षा लेने जरूरी, चले जाओ रात चुपचाप। लो चाय। इतने सालों में ना पहली बार तुमने इतनी टेस्टी चाय बनाई है यार। लगता है मैंने अपनी चाय आपको दे दी। मम्मी जी आपकी बेटी में ना एक ढंग की बात नहीं है। दामाद जी पता है मुझे, तभी तो उसे ढंग का लड़का नहीं मिला। सुनो आज ना कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। क्यों? अरे यार वो घर पे खाना खाने का ना मन नहीं कर रहा है। साफ बोलो ना कि बर्तन धोने का मन नहीं है, जाके खाना लगाओ। जी का मेरा पर्स घर पे रह गया, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, दे दिए। अरे यार कर दी ना तूने छोटी बात, ये ले पकड़ 10 रुपए, सवारी से जाओ और अपना पर्स लेकर आ। नो 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 नो।
गाइस मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खतरनाक खतरनाक एक्शन मूवी देखी है, पर जो मजा मोहल्ले की लड़ाई देखने में है ना, वो साला कहीं नहीं है। नो 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 और मस्त में कैश करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। बता चला नींद नहीं आ रही यार, जाओ किचन में जाके बर्तन धो दो। नो 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 चाइना में लोग दूसरी शादी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है दूसरी भी सेम शक्ल की आनी है। इससे बढ़िया यही ठीक है। तेरे मोबाइल में किस किस के नंबर है? अपनी किस्म खा कर कह रही है, दिल में दिल ठोक कर कह रही है, मैंने एक दिन भी बात करी हो तो किससे? और चाह तो अपने किस्म से कह रही हूँ, इतनी बड़ी भगवान से किस्म खा रही हूँ, अगर मैं मोसा करेगा मैं मुक्का मार के तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हम वहाँ काम आते हैं जहाँ कोई काम नहीं होता। पता नहीं लोगों को कैसे खूबसूरत पड़ोसन मिल जाती है, मेरे तो एक तरफ मंथरा है तो दूसरी तरफ ताड़का। आप सूरत की बात करते हो? लोग तो मेरी वीडियोस देखते ही मर जाते हैं, इसीलिए तो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते। ए बाबूजी कुछ देना, दो दिन से भूखा हूँ। अरे अभी मेरी बीवी घर पर नहीं है। अबे तो साले तेरी बीवी का चुम्मा धोड़ी मांग रही हूँ, रोटी तो तू भी दे सकता है। तेरी साले रुक जा, अभी बाहर को आ रही हूँ। तुम बहुत हसी हो, छोड़िए भी। अरे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, छोड़िए भी। और तुम्हारे बाल बाल तो ऋषिम जैसे हैं, छोड़िए भी। और तुम्हारी आवाज तो मिश्री जैसी है, हे भगवान छोड़िए भी। अरे इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, और क्या छोड़ूं? बाबू कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जा रही हूँ अपने माँ के, मुझे नहीं लेना आपके साथ। अरे बाबू पता है, जब मैं पास हुई ना तो मेरे पापा ने मुझे 3,000 का सूट दिलवाया। बस इतनी सी बात, जब हम फेल भाई थे तो पापा ने हमें 7.5 लाख को ट्रैक्टर लो आउट। आजकल की धूप भी खूबसूरत पड़ोसन की तरह हो गई है, जैसे वो निकलती है पूरा मोहल्ला छत पे चला आता है। क्या ढूंढ रही हो यार? मेरे 2,000 चोरी हो गए। 2,000 नहीं, 1,300 थे। बात 2,000 या 1,300 की नहीं है, बात यह है कि चोरी किसने की है। सुनो हा? वो सामने वाले पड़ोसी नई कार ले आए। बगल वाले ने दूसरी शादी कर ली, मैंने कुछ कहा? ये लो। अरे वाह, आज फिर मलाई कोफ्ता। खा के बताओ कैसी है। ठीक है, लेकिन परसों वाली ज्यादा अच्छी थी। परसों वाली ही है। बेबी आज घर मत आना, मेरे हस्बैंड घर पर ही हैं। आज का प्रोग्राम कैंसिल। फरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। ये मैं तुम्हारे मैसेज पढ़ रही हूँ। सुनो, रात मैंने आपके फोन में कुछ देखा था, जल्दी चाय पियो फिर बात करते हैं। यार मेरे बॉयफ्रेंड का जन्मदिन है, के गिफ्ट दूं? कितना साल का है? 14 साल का। उसकी स्कूल की फीस भर दे। वो क्या खाना पसंद है? लोगों की खुशियाँ। अरे यार बात तो सुनो, क्या हो गया यार? बात मत करो मुझसे। यार क्या हुआ? मैंने भाभी को नमस्ते तो बोला था बस। नमस्ते करने का भी तरीका होता है,
ऐसे नमस्ते भाभी जी, और तुम नमस्ते भाभी जी। ये कौन सा तरीका है? मम्मी जी वैसे बुरा मत मानना, आपका लड़का एक भी ढंग का काम नहीं करता है। पता है जब इधर ऐसा ढंग की लड़की ना मिली। यार ये इंग्लिश भी ना इतना कंफ्यूज करती है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है? जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो गई, और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ फिनिश हो गई। अरे गई तो साली दूसरी तैयार बैठी है। अरे सेटिंग नहीं, टेंशन। यार ये तुमने खाना बनाया है? अरे पता है आज मार्केट में ना मैंने बिल्कुल तुम्हारे जैसी लड़की देखी। फिर मेरे जैसी लड़की पसंद आ गई? दया काम से मेरे जैसी लड़की पसंद नहीं आई? आ गई। सुनिए, आई एम सॉरी मोगेम्बो, खुश हुआ। ऐसा अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से हर रोज सुबह उठ के कहे तो घर में खुशहाली बरकरार रहती है। आइए, ये वो ही है जो सर्दी में नहाता नहीं है। बेबी ये देखो मेरे बिना मेकअप की फोटो। सुनो जी। हाँ बोल। मुझे ना 1,000 रुपए की जरूरत है। मेरे तो रहना है। अच्छा तो मैं अपने पर्स में से ले लेती हूँ, तुम मुझे ना बाद में दे देना। सुनो। हाँ? कान पे लगाओ। तुमने ही बोला था कान पे लगाओ। मैं फोन गई थी। पापा भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होता है? ओह नो। पागल हो क्या कर रहे हो ये? बेटा ये होता है। हो गया, थोड़ा इधर भी दबाओ। अरे यार इतना तो तुम्हारे अंदर दिमाग है भी नहीं जितना तुम मुझसे दबा चुकी हो। एक सफल आदमी के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है, जैसे कि आपके पीछे मेरा। या फिर इतनी सी सफलता से कुछ नहीं होने वाला मेरा, फिर तो 2-3 और लानी पड़ेंगी। हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। देखें, दिखाओ। क्यों करते हो ऐसी हरकतें? मुझे क्या अच्छा लगता है ये सब करते हुए? क्या जरूरत थी पार्टी में पड़ोसन का हाथ पकड़ने की? अरे वाह, बैग से तो ऐसे लग रहा है कुछ खाने की बढ़िया चीज लाई हो मेरे लिए। बहुत सही अंदाज लगाया है आपने, आपकी खाने की चीज लाई हूँ, नया बेलन। ये फंस गया सीएम। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। नो। इतनी ठंडी में भी मैं झट से नहा लेता हूँ। 10 दिन में एक बार। शिवानी एक बार हमारी सुन तो ले। शिवानी सुनो तो। हाथ तेरी शिवानी, चल भीतर जा। हाँ भी रिजल्ट आना सी आज तेरा। हाँ जी ले रिपोर्ट कार्ड ले आ। किथे है? एक मिनट। हेलो। बाबा जी ए मेरी मैडम दी कॉल आई है, गल करो।
हेलो जी सर, आपके बेटे ने स्कूल में टॉप किया है। रॉन्ग नंबर। सुनो, तुमने बेटी से पैसे निकाले क्या? थोड़े से, जरूरत थी। तो मांग लेती यार, निकालने की जरूरत थी? कब तक मांगती रहूंगी मैं आपसे, मुझे भी तो आप पर निर्भर बनना है। सुनो। हाँ? आपकी लाइफ में मेरी क्या कीमत है? मेरी जान, तुम्हारी तो कीमत करोड़ों में है। तो उन करोड़ों में से मेरे को 5,000 रुपए दे दो, मेरे को शॉपिंग करके आनी है। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये अमन कहाँ रहता है? मेरा ये नाम अमन है। अमन, तुम्हारे ससुराल से पार्सल आया। मेरे ससुराल से? लाइए दीजिए। ये कब बात हुई? लीजिए, साइन कर दीजिए। अरे के ले आया? अरे कुछ नाजुराब लेने गया था मार्केट में। अच्छा, फिर यो के ले रहा है? 3 सूट 2 साड़ी और 2 पैंट। और जुराब की था? जुराब पसंद ना आई। सोनिया। हाँ मनुड़ी। तू मेरे खातिर के कुछ कह? मैं के? मैं वो पानी में पड़ेड़ो तेरो आंसू ढूंढ सकूं। सच्ची के? अरे इसा चंचला सिखावे कौन है थनेरे? चलिए लंबी गहरी सांस, होल्ड। अब सांस को छोड़ेंगे। ओ सर, इधर से नहीं छोड़ना था, नाक से छोड़ना था। थान शर्म में को नहीं आवे, थारो ही भाईलो है और वो बावड़ी छोरी में ब्याह कर रहे थे, रोको को नहीं? अरे तो जद मैं ब्याह करियो जद वो मन रोक्यो होके, तो मैं भी न रोकू। सुनो जी, मैंने ना नए सरफ से ना अपना नया सूट धो लिया और वो छोटा हो गया, मेरा आ भी नहीं रहा, अब क्या करूं? एक काम कर, उस सरफ में ना भी ले, कति फिटा होगा। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये कोई शक नहीं, आरे चेक नहीं, भी बजट दिया चले। ये महिलाएं भी बड़ी अजीब होती हैं। दोपहर में पड़ोसन से पति की बुराई करती हैं और शाम को पति से पड़ोसन की। अच्छा सुनो। क्या है? गुस्सा हो? हाँ हूँ। सॉरी, मुझे बोलो तुम।